स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी 50 के करंट लेवल्स को देखें तो 8857 पर निफ्टी कर रहा है कामकाज। सुबह से ही काफी वोलेटाइल ट्रेड, चॉपी ट्रेड देखने को मिल रहा है, एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है और उसी तरीके से एक फ्लैटिश टोन पर ही ब्रॉड इंडिसीज कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप सेंसेक्स की ओर भी रुख करेंगे तो इसी तरीके का रुझान वहां पर भी देखने को मिलेगा, फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन में कामकाज। सेंसेक्स में भी 47 पॉइंट्स की कमजोरी, 28725 के लेवल्स पर सेंसेक्स कर रहा है कामकाज। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, उनमें से टेक्नोलॉजी शेयर्स में से सबसे ऊपर एचसीएल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं, 1.5% तक के आसपास की तेजी यहां पर। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा ब्लॉक डील्स भी हुई हैं और उसके बाद आप देखिए शेयर में एक उछाल है, 1.25% तक की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तरों के करीब यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में कामकाज हो रहा है। साथ ही आप देखिए बीपीसीएल को 1% तक की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है और फार्मा स्पेस में भी आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। आप देखिए सिप्ला को या फिर डॉक्टर रेड्डीज को, इन दोनों ही शेयरों में अभी भी तेजी के साथ ही कामकाज हो रहा है। लेकिन जान लेते हैं संदीप से कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ न्यूज रूम से, बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले एडलैब्स, अगर आपको याद हो तो कल इस काउंटर में ब्लॉक डील्स हुई थी। इनसिंक कैपिटल ने करीब 3.5 लाख शेयर बताए इस कंपनी के खरीदे हैं और आपको बता दें इनसिंक कैपिटल में राकेश झुंझुनवाला पार्टनर है। तो इसका जब कल खुलासा हुआ शाम को तो उसके बाद आज देखिए शेयर में 20% का ओपी सर्किट लगा हुआ है। मॉर्पिन लैब इस कंपनी के अपने जो ओटीसी कारोबार है उसे बेचने की योजना है और माना जा रहा है कि पिरामल ग्रुप इस ओटीसी कारोबार को खरीदने के लिए आगे आया है। तो ऐसी खबरें निकल के सामने है तो उसका फायदा देखिए मॉर्पिन लैब में देखने को मिल रहा है। भारत फाइनेंशियल कल इस कंपनी का QIP खुला था, शानदार रिस्पॉन्स इस QIP इशू को मिला है। 750 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी, 8 गुना के आसपास की जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो देखने को मिला। इसका जो फ्लोर प्राइस है 770 रुपये के आसपास का था। अच्छे रिस्पॉन्स के चलते इस शेयर में भी काफी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। डेकन गोल्ड माइन इस कंपनी ने अपने जो कर्नाटक में गनाजूर प्रोजेक्ट है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करी है। उसमें इनका कहना है कि जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं उसको अपडेट कर मेजर कैटेगरी में डाला जा सकता है, यानी कि वहाँ पर अच्छे खासे भंडार की उम्मीद कंपनी ने जताई है, जिसके फायदा इस काउंटर में भी देखने को मिल रहा है। अभी करीब 13% के आसपास से गेंस देखने को मिलेंगे। वेबल एसएल एनर्जी एक कंपनी है जिसको आरबीआई की ओर से FCCB की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी मिली है, उसके बाद इस काउंटर में भी आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। अब भी करीब 20% के आसपास की तेजी और इनफैक्ट पूरी जो सोलर स्पेस की कंपनियाँ हैं, चाहे वेबल एसएल की बात कीजिए, सुनारा सोलर की बात कीजिए, इंडो सोलर, मोजर बेयर, सुजलॉन की बात कीजिए, इन सभी काउंटर्स में आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो आज इंडिया और फ्रांस के बीच में जो राफेल डील हुई है उसके बाद डिफेंस शेयरों में काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। हनीवेल ऑटोमेशन, वॉल्चन नगर, एक्सिस गेट्स, रोल्टा, भारत फोर्ज, BEML, ये सभी ऐसे काउंटर्स हैं जिनको शायद इसका फायदा देखने को मिल सकता है और इसी एंटिसिपेशन में जो गेंस हैं इन काउंटर्स में आज देखने को मिल रहे हैं। फार्मा शेयरों में भी आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो छोटे काउंटर्स हैं बाफना फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, आरती ड्रग्स, जुबिलेंट फाइव, लिंकन फार्मा, कोपरानी, कुछ ऐसे पर्टिकुलर काउंटर्स हैं फार्मा स्पेस में जिनमें एक्सेप्शनली वेल मूव्स देखने को मिल रहे हैं। ऑटो एंसिलरी एजा पैक में आज देखिए सुबह से काफी अच्छा खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। भारत गियर, हाईटेक गियर, ओमैक्स ऑटो, स्टील से व्हील्स, जमुना ऑटो, भारत सीट्स के कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स हैं जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ डबल डिजिट गेंस अब भी देखने को मिल रहे हैं। मेटल की जो चमक है वो भी बड़ी है। कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स की बात करें तो ISMT, शारदा एनर्जी, टाटा मेटालिक्स, ग्रेविटा, NMDC, हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स हैं स्पेस में जहाँ पे काफी अच्छे जो खरीदारी के रुझान है आज देखने को मिले। और एमटेक ग्रुप, पूरा ही ग्रुप में देखिए 5 कंपनीज हैं एमटेक ऑटो जैसी, उनमें देखिए आज काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और आखिर में कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज जहाँ पे अच्छे मूव्स देखने को मिले, उसमें सेरेब्रा इंटीग्रेटेड एक कंपनी है जहाँ पे 20% तक के आप मूव्स देखने को मिले। एमआरओटेक, श्रेया शिपिंग, बॉम्बे बर्मा, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल वेल मूव्स हाई वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बताने के लिए कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अभी मूविंग एक्शन देखने को मिल रहा है और कौन से शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि डेरिवेटिव स्पेस से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजत, ये बताइए कि आज सुबह से ही काफी चौपी ट्रेड देखने को मिल रहा है मार्केट्स में, एक बहुत ही नैरो रेंज में बाजार कामकाज कर रहा है और फ्लैटिश टोन पे एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आगे के लिए क्या ट्रेडर्स का फोकस कहां पर है? जी बिल्कुल, आज कंसोलिडेशन है कल के बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद और यूरोपियन मार्केट्स कुछ इतने एनकरेजिंग क्यूज नहीं थे जिसके चलते हम कह सकते हैं कि आज बेहतर ट्रेड्स बनेंगे, तेजी बनेगी मार्केट्स पे। इस हफ्ते तो 8900 के लेवल को नहीं छू पाए लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते मूव बने क्योंकि जो कुशन मिल रहा है मार्केट्स पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग से मिल रहा है। अब 8800 दोनों ही स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली खड़ा होता चला जा रहा है। 8800 पे लगभग 12 लाख शेयर्स आज सिस्टम में खड़े हुए, ताज़ा बिकवाली है तो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग से भी पुट लेने, वहां पर भी लगभग 3 लाख शेयर्स आज फ्रेश राइट होते हुए नजर आए। तो जब तक ऐसी राइटिंग
चले तब तक एक क्वेश्चन मिलता रहेगा मार्केट्स में, हो सकता है कि 8820 का इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन देखने को मिले, ये लेवल टूटता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाले की भी एक्सपेक्टेशन है। 8820 जब तक होल्ड करेंगे तब तक मार्केट्स पे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव मिल रहा है वो बहुत शानदार है। इनफैक्ट SRF सुबह से ही फोकस में और ओपन इंटरेस्ट लगभग 50% सिंगल डे में खड़ा हुआ, 1.6 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में खड़े हुए। इसके अलावा डिफेंस शेयर रफाल डील 60,000 करोड़ का सौदा, उसके बाद एकदम से लाइमलाइट में आ गए। भारत फोर्ज 9.5% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, BEL BEML सभी स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। सिंटेक्स एक और स्टॉक जो लगातार इस सीरीज में काफी स्ट्रॉन्गली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, 4 लाख शेयर आज यहां पर खड़े हुए। ऑयल एंड गैस स्पेस में IGL ये स्टॉक हफ्ते के आखिरी कारोबार सत्र में बेहतर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया। टायर स्टॉक्स में अपोलो टायर, MRF जैसे स्ट्रक्चर्स में तेजी बनी और IT में HCL टेक्नोलॉजीज। एक शेयर जहां पर डिसअपॉइंटमेंट है वो है बैंकिंग सेक्टर से, वैसे तो आज पूरा ही बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्सिस बैंक आप यहां पर देखिए 13% ओपन इंटरेस्ट के साथ ताजा पिक वाले स्टॉक पे और निफ्टी का सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रजत बताने के लिए कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ नजर आया। खासतौर पर फ्यूचर ट्रेड्स में भी देखा जाए तो डिफेंस एक ऐसी स्पेस है जो कि आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। चलिए लेकिन डिफेंस स्पेस के साथ ही रहते हैं और आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक रफाल डील हो गई है। एयरफोर्स के लिए राहत देने के लिए फ्रांस से 36 रफाल विमान जो है वो खरीदे जा रहे हैं। 1990s में सुखोई खरीदे जाने के बाद पहले बार अब ये लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं जो कि भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि 60,000 करोड़ में ये पूरी सौदा हुआ है। भारत और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर्स ने कुछ ही देर पहले इस पूरी डील पर हस्ताक्षर भी किए हैं, मनोहर पर्रिकर और साथ ही जॉन वेज ला ड्रायन ने दस्तखत इस पूरी डील पर करे हैं। 36 मंथ्स के अंदर ही एयरफोर्स में ये शामिल होते हुए नजर आएंगे 36 रफाल फाइटर जेट्स। आपको बता दें कि परमाणु हथियार ले जाने के लिए ये सक्षम है, साथ ही लंबी दूरी को भी ये नापने के लिए काफी सक्षम माने जाते हैं। पाकिस्तान से के ज्यादातर शहर एयरफोर्स के दायरे में इन जेट्स के आ जाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दें। और साथ ही सौदे में मेंटेनेंस और साथ ही जो कर्पूर्स है उसको भी शामिल किया जा रहा है इस पूरी 60,000 करोड़ की जो डील हुई है उस पर। चलिए आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच में ये जो रफाल विमानों का सौदा हुआ है दोनों ही देशों के बीच के लिए काफी ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि 1990s के बाद इतना बड़ा जो डिफेंस का सौदा होते हुए वो नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि आज एक और अपडेट आई है और वो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुब्रत रॉय के लिए। कुछ ही देर पहले हमारे पास ये खबर आई थी कि सुब्रत रॉय का जो परोल है वो उसका एक्सटेंशन आज खत्म हो रहा है और इस पर कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान आए थे वो इस तरीके के आए थे कि अब उनकी एक्सटेंशन नहीं मिला जाएगा और सुब्रत रॉय को इमीडिएट गिरफ्तार करने के लिए कुछ इंडिकेशंस मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड पहले अब ये जो खबर आ रही है वो ये है कि अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर रिविजिट कर सकता है, रिकंसिडर कर सकता है सुब्रत रॉय की परोल एक्सटेंशन पर। चलिए जान लेते हैं संतोष से कि क्या है ये पूरी खबर। बताइए संतोष, क्या है पूरा अपडेट आपके पास? संतोष क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए आपको बता दें कि सुब्रत रॉय का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय का जो परोल एक्सटेंशन है जिसकी अवधि आज खत्म हो रही थी उस पर सुनवाई की। आज सुबह 11 बजे के आसपास जिस तरीके की खबरें आ रही थी उसमें ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सटेंशन नहीं दिया और इमीडिएटली गिरफ्तारी के उनको ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में जान लेते हैं संतोष से। बताइए संतोष। जी हाँ, देखिए आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के पेरोल की अवधि के एक्सटेंशन की के ऊपर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और इसमें कई मोड़ ऐसे आए जहां पर कि केस को अप्स एंड डाउन होता हुआ दिखा। सबसे पहले सहारा के काउंसिल राजीव धवन ने जिस तरीके से कोर्ट के ऊपर आर्गुमेंट किया, कोर्ट के ऊपर सुनवाई के दरमियान जो बातें कही वो कोर्ट को काफ़ी नागवार गुजरा और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें उनके जो पेरोल उनको बेल था वो उनका खत्म कर दिया और उसके बाद बोला कि उनके साथ साथ दो और डायरेक्टर को इमीडिएटली कस्टडी में लिया जाए और इसके बाद फिर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर की दे दी। इसके बाद फिर सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल जो सहारा की तरफ से अपीयर हो रहे थे उनको चिकनगुनिया था, उसके बावजूद वो कोर्ट के सामने एक बार फिर से एप्लीकेशन मूव किया और कोर्ट से अनकंडीशनल अपोलॉजी रिटर्न में उन्होंने दिया है और साथ ही जो राजीव धवन के व्यवहार को लेकर उन्होंने काफ़ी खेद जताया और कहा कि आगे से वो इस केस में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन कोर्ट को उन्हें ये सुनना चाहिए क्योंकि सहारा
प्रमुख जो सुब्रत रॉय हैं उनकी जो जमानत की अवधि है उसको एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि वो बाकी के जो साथी जज हैं उनसे बात करके फिर से सुनवाई इस पर ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है कि शाम होते होते कोर्ट के जो रिवाइज ऑर्डर है उसे अपलोड कर दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी खबर को बताने के लिए। शाम तक आपसे और भी अपडेट्स लेंगे जैसे ही ये फाइनल ऑर्डर अपलोड होता है।